इन्होंने हिजाब पहना है, इनविजिबल हिजाब पहना है, 400 बीसी का हिजाब पहना है, झूठ झूठ फैलाने का हिजाब पहना है, जिसको हमको इनके चेहरे से उठाना पड़ेगा। जो जो इलीगल है वह टूटेगा, जो कानून है वो पूरा कार्रवाई होगा। तो वो मुसलमान जाकर के उसको चूमने लगा, तो वहां पर एक अरबी पूछा कि तुम उसको चूम क्यों रहे हो, तो कह रहा है कि दुआ लिखी हुई है ना, कुरान की आयत लिखी हुई है ना, तो कहा कि नहीं, ये तो लिखा हुआ है शौचालय, ये तो शौचालय लिखा हुआ है, टॉयलेट तुम यहाँ हक सकते हो, तुम यहाँ मूत सकते हो, ये कुरान की कोई आयत नहीं है। तो ये वाले मौलाना है, ये पाखंडी है, ये 420 मौलाना लोग है, इनको नहीं। आपके चैनल के माध्यम से कि क्या उन्होंने कभी शॉर्ट्स, हाफ पैंट और स्विमिंग कॉस्ट्यूम और बिकिनी पहन कर देखा है क्या, और हिजाब भी पहन करके देखा है, उनको कुछ समझ में आ जाएगा कि कितना कम्फर्टेबल कौन सा कपड़ा होता है। और जो दिख रहे हैं कैमरा के सामने, क्या ये डिप्राइव है, क्या ये मजलूम है? ये तो दाढ़ी टोपी लगा करके रोज न्यूज चैनल की खिड़कियों में बैठ करके उल्टा पुल्टा भोंकता है। ऐसे ऐसे मौलवी मुल्लाओं को देखिए, जुबान की बात अब समझ में नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखें ही इनको सीधा कर सकती हैं। और जो कर्नाटक सॉरी तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली, उनका ताजा तरीन बयान आया है जो बुरके को लेकर, जो स्कूल में एग्जामिनेशन हॉल में लड़कियां बच्चियां पहनती हैं उसको लेकर उन्होंने कहा है कि हमारे देश में सबको जो भी कपड़े पहनने हैं वो होने चाहिए, और ये हेडमास्टर और इस तरह के लोग जो हैं बच्चों के ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं, और जो औरतें या बच्चियां वेस्ट यूरोपियन कपड़े पहनती हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, बुरका नहीं पहनना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा, और अगर छोटे कपड़े पहनती हैं और लड़कियां तो वो अच्छा नहीं लगता है उनको, वो अनकंफर्टेबल होती हैं, और अगर बुर्का पहनती हैं, ज्यादा कपड़े पहनती हैं तो सुकून मिलता है। इस बयान को आप कैसे देख रही हैं? बहुत जजमेंटल स्टेटमेंट के नजर से मैं देख रही हूँ, और महमूद साहब से मैं पूछना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि क्या उन्होंने कभी शॉर्ट्स, हाफ पैंट और स्विमिंग कॉस्ट्यूम और बिकिनी पहन कर देखा है क्या, और हिजाब भी पहन करके देखा है, उनको कुछ समझ में आ जाएगा कि कितना कंफर्टेबल कौन सा कपड़ा होता है और कितना सुकून कौन से कपड़े में मिलता है, ये उनको खुद समझ में आ जाएगा। मैं देखिए, हिजाब का जहां तक मुस्कान का मैटर है, अंबर मैं एकदम क्लियर कह देना चाहती हूँ कि मुस्कान का लिंक और कनेक्शन कहाँ से था, ये हम लोगों को चंद महीनों में ही समझ में आ गया था, जब एक टेररिस्ट ने हरे झंडे के सामने खड़े होकर के मुस्कान की तारीफ की थी, तभी हमें समझ में आ गया था। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने तब भी किए थे कि आखिर ये पैसा आ कहाँ से रहा है। अंबर आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एंटर करना या किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में एंटर करना मुंह की बात नहीं होती है, पॉकेट बहुत ज्यादा लोगों को बहुत गर्म रखना पड़ता है, तब जा करके हम एक न्याय लेकर के आते हैं। और मुस्कान अगर बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं और शिक्षा ले रही थी, तो पहला सवाल ये उठता है कि उन्होंने कुरान का पहला वर्ड इकरा को ना सपोर्ट करके उन्होंने हिजाब को क्यों सपोर्ट किया, जिसमें जिस हिजाब के बारे में कहीं पर भी कुरान में लिखा ही हुआ नहीं है कि हमने अबाया, बुरका, हिजाब ऐसी कोई चीज पहननी पड़ेगी। सूरह अल-नूर की बहुत बार बात होती थी, लेकिन सूरह अल-नूर में भी ऐसी कोई बात नहीं थी, कहा गया था कि तन को ढक करके रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनने। अब आती है बात कि आखिर ऐसा क्या कनेक्शन था और ये फाइनेंशियल सपोर्ट मुस्कान को कहां से आ रहा था, ये बात पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान जान चुका है। वो अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उनको मुस्कान को इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए NSA के चार्जेस पर, नेशनल सिक्योरिटी के चार्जेस पर। दूसरी बात आती है कि महमूद जी को मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश भेजना चाहती हूँ, बहुत प्यारा संदेश है, और कुछ कपड़े भी अगर उनके एड्रेस मिल जाए तो मैं उनको कुछ कपड़े भी भेजूंगी, लाइक बिकिनी, शॉर्ट्स और हॉट पैंट। मैं तो कहती हूँ, आपकी बात बीच में कट रही है, 4-6 उनको बुरके भेज देते हैं, वो जब 3-4 बुरके एक के ऊपर एक गर्मी में पहनकर बाहर निकलेंगे तो उन्हें भी सुकून मिलना चाहिए। सारा सुकून महिलाओं को ही क्यों मिले, मर्दों को भी मिलना चाहिए ना सुकून। नहीं, मैं वही कहना चाह रही थी कि उनको दोनों तरीके की चीजें भेजनी पड़ेंगी, उनको ऐसे कपड़े भी भेजने पड़ेंगे, नॉर्मल कॉटन का टी शर्ट और शॉर्ट्स भी भेजना पड़ेगा, और बुरके और हिजाब वो वाला जिसमें ग्लव्स भी होता है और आंखें छोटी सी चोरों की तरह नजर आती है, डकैतों की तरह बाहर निकल जाते हैं एकदम प्रेत आत्मा की तरह,
तो ऐसा बुर्का भी हम उनको भेजेंगे और उनको उनको पहन करके मीडिया के सामने हिजाब पहन करके बुर्का पहन करके वो डकैत वाला उनको दिखाना पड़ेगा और उनको तब बोलना पड़ेगा कि धूप की शिद्दत में खड़े होने के बाद आप कैसे लग रहे हैं। एक तो आइडेंटिफिकेशन का जो माँ बहन एक होता है अंबर वो तो होता ही है। आजकल आप देखिएगा कि आप गैदरिंग में या मार्केट में जो ओपन मार्केट होता है उसमें बुर्के वालियों को ना बहुत बहुत पॉइंट आउट करता है क्योंकि बुर्के वालियां ना बहुत चोरी मतलब चोरी भी करती हैं सामान को। जो जैसे सरोजनी नगर आप चले जाइए, जैसे हम यहाँ पर बड़ा बाजार मार्केट वेस्ट बंगाल में चले जाते हैं या आप लोखंड वाला चले जाइए, तो ऐसी जगह पे महाराष्ट्र के, तो ऐसी जगह पर हम लोग देखते हैं कि बुर्के वाले को बहुत पॉइंट आउट करके और तेज नजरों से देखता है कि ये तो जरूर चुराएगी। तो ऐसे ऐसे आइडेंटिफिकेशन ही इनके रख दिए गए हैं। तो मुझे लगता है ये सब दकियानूसी बातें हैं और इस टाइप के जितने भी मुसलमान हैं इन्होंने एक अफरा तफरी का माहौल मचाने के लिए ऐसी बहुत सी बातें कही हैं और कहते चले जा रहे हैं। इनको अपनी हार जो है ना वो साफ 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 दिखाई दे रही है। देखिए इन्होंने सिर्फ अपने मुंह से जजमेंटल बातें या झुट्टी लुच्ची बातें नहीं कही है, इतिहास में जब हम बचपन से हिस्ट्री पढ़ते हुए चले आ रहे हैं अंबर, तब भी हमने बहुत कुछ झूठ झूठ उसमें पढ़ा है। आज देखिए वीर सावरकर की बात को छुपाया गया है कर्नाटका में, उसका सिलेबस ही हटा दिया गया है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अकबर के बारे में हम लोगों को सच्चाई क्यों नहीं बताई गई हिस्ट्री में। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बोलना चाहूंगी कि और तब मैं मुद्दे पर आऊंगी कि क्यों ये महमूद और ये जितने भी साजिद हैं और ये मौलाना रशीदी हैं ये लोग क्यों ऐसी चीजें झूठी लुच्ची बातें करते हैं, लेकिन जो सच बात है उसको ये लोग बुक से सिर्फ नहीं बल्कि लोगों का दिमाग से भी हटा देना चाहते हैं। और सच्चाई का सामना जो है ना इनके अंदर करने की काबिलियत और लियाकत नहीं है, हिम्मत भी नहीं है ऐसे ऐसे मौलवी मुल्लाओं की। देखिए अकबर के पिता का नाम हमने हमेशा क्या सुना, हुमायूं, हमेशा हमने हिस्ट्री में यही पढ़ा। बट 1539 में हुमायूं बिजी हो गया था चौसा के बैटल में, चौसा के साथ एक जंग में वो बिजी हो गया था और 1540 तक वो उसी जंग में बिजी रहा। उसके बाद हुमायूं जो है वो अपनी वाइफ को अमरकोट के राजा के हवाले करके वो वहां से निकल गया और 15 साल वो मिसिंग डायरी देने वाला तो कोई सिस्टम उस वक्त नहीं था, नहीं तो हम लोग हुमायूं की मिसिंग डायरी दे देते या उस वक्त वो लोग मिसिंग डायरी दे देते हुमायूं, क्योंकि वो कहाँ गायब हो गया था किसी को पता नहीं था। और इस बीच में पता चला कि हुमायूं को एक पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम अकबर रखा गया है। अब आप मुझे बताइए कि जो आदमी 1539 से लेकर के पूरा 15 साल स्ट्रेट गायब रहा, तो क्या उसने उड़ के दुआओं में फूंक करके अपनी बीवी के पेट में बच्चा दे दिया, या उसने नमाज में दुआ करके बीवी के पेट में बच्चा दे दिया, या ये अकबर का नुतफा ही कोई और है, ये भी तो क्वेश्चनेबल है। तो ये तो इतिहास है, ये तो हिस्ट्री है जिसको हिस्ट्री की किताब से छुपाया गया। और खास करके मुस्लिम स्कूल जितने भी हैं, उर्दू स्कूल जितने भी हैं, उन स्कूलों से इसको छुपाया गया है। मैं खुद उर्दू स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मैंने ये नहीं पढ़ा था, और तब जा करके मैंने दिल्ली से किताब मंगवाई लाइब्रेरी से और तब मैंने इस इतिहास को पढ़ा। तो महमूद हुआ, साजिद रशीदी हुए, या मौलाना अरशद मदनी हुए, ये सब जैसे मौलवी मुल्लाओं ने अफरा तफरी का माहौल जानबूझ करके मचाया है। और ये पता है मुसलमानों के करियर को और मुसलमानों के फ्यूचर को खराब करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, जिसमें इनके मुफाद है, जिसमें इनका फायदा है। या तो ये किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के ये चाटुकारता होते हैं, या तो फिर इनको पाकिस्तान को ये सपोर्ट करते हैं, या पिशावरी जैसे कुछ लोगों से इनके पास पैसा आता है जिसकी वजह से ये लोग ये सब करते हैं। तो ऐसे लोगों को नजरअंदाज अब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और भरी महफिल में इनको बेइज्जत करके इनसे पूछना चाहिए कि ये ऐसा आपने बोला है तो किस बिना पर बोला है और किस रीजन पर बोला है, उसका प्रमाण दीजिए। उसी वक्त इंस्टेंट उस महमूद को एक बुर्का पहना करके धूप में खड़ा कर देना चाहिए था, एक घंटा अपने आप बाप का नाम भूल जाता और कहता कि इसको खोलो भैया, अब तो इसको खोलो। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और नाजिया अभी 3-4 दिन पहले की एक रिपोर्ट भी थी जिसमें जावेद नाम का एक लड़का आयशा बनकर
मर्दों का वहां पे अस्पताल में इलाज कर रहा था, और जब हिजाब और बुरका मुंह खोला गया तो पता चला कि अंदर जावेद निकला। तो सिक्योरिटी ब्रीच भी होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर सवाल भी उठते हैं, लेकिन इसको जस्टिफाई किया जाता है। और इनफैक्ट अभी हमने देखा कश्मीर में भी बीते दिनों बुरके को लेकर, अबाया को लेकर ये मामला सामने आया, जिसमें लड़कियों ने प्रोटेस्ट भी किया कि हमारे नबी का फरमान है, आप कैसे रोकोगे। सऊदी अरेबिया ने एग्जामिनेशन हॉल में अबाया बुरका बैन कर दिया, लेकिन भारत में पहले तो हिजाब था, अब बुरके को भी अबाया को भी लागू करवाने की कोशिश हो रही है, ये किस तरफ जा रहा है भारत? देखिए, भारत एक तरफ तो जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं तो हमारे जीडीपी को हम देखते हैं 7.2% चला गया, हमारे इकोनॉमिकल ग्राफ को देखते हैं तो कहीं आसमान को छू रहा है, और एक तरफ जब हम आते हैं मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ तो इन्होंने हमेशा से एक चीज का अफवाह बनाया है कि मुसलमान बहुत डिप्राइव है, मुसलमानों को के ऊपर बहुत जुल्म और सितम किया जा रहा है। तो ये जो इतने सारे मुसलमान, अभी हालिया में हमने देखा डच का एक यूट्यूबर है, उसको पकड़ करके एक मुसलमान ही मारा क्योंकि वो नमस्ते बोला, उससे पूछ रहा है वो टोपी लगा के दारू पी करके इशारा कर रहा है। तो ऐसे मुसलमान जो दिख रहे हैं कैमरा के सामने, क्या ये डिप्राइव है, क्या ये मजलूम है? ये तो दाढ़ी टोपी लगा करके रोज न्यूज चैनल की खिड़कियों में बैठ करके उल्टा पुल्टा भौंकता है। ऐसे ऐसे मौलवी मुल्लाओं को देखिए, जुबान की बात अब समझ में नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखें ही इनको सीधा कर सकती हैं, और कोई इनके इनको दुरुस्त करने के लिए और कोई चारा बचा नहीं है। देखिए अंबर, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ और हम सबको पता है कि कुत्ते की दुम बहुत टेढ़ी होती है, 10 जन्म भी गाड़ दीजिए तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। अब आप बताइए कि औरंगजेब ने 46,000 हिंदुओं का मर्डर किया था, फिर भी उसको पाकिस्तान अपना नेता समझते हैं, फिर ये हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों समझते हैं? औरंगजेब ने मंदिरों से और हिंदू के घरों से बहुत सारे गोल्ड ऑर्नामेंट, बहुत सारी वैल्यूबल चीजें, बहुत कुछ उसने लूटपाट किया था, और उसने अपनी अपने अपने सल्तनत को आगे बढ़ाया था। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे टेररिज्म माइंडेड औरंगजेब को हम क्यों महत्वपूर्ण समझे, हम क्यों इम्पोर्टेंस दें? ये लोग कत्ल और गारत को क्या कुरान कहते हैं? ये लोग बलात्कार और मोलेस्टेशन को और औरतों को नीचा दिखाने को इस्लाम कहते हैं? ऐसा इस्लाम और ऐसा तो कुरान नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी आपसे जब डिबेट में मैं बैठी थी तब भी मैंने आपसे उस इंटरव्यू में कहा था कि हदीस बोल करके कुछ नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने अपने कंफर्टेबल जोन को हदीस के नाम पर एक तुम्बा छोड़ा है और जिसको सब पर लागू करने की ये कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब चप्पल और जूता और जेल की सलाखों के अलावा ऐसे ऐसे दाढ़ी टोपी वाले और ऐसे ऐसे मौलवी मुल्लाओं का इलाज सिर्फ यही कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि जब कुरान में कहीं पर भी हजाब अबाया की कोई बात और कोई जिक्र ही नहीं है तो फिर आप होते कौन है हमें फोर्स करने वाले? और अच्छा, इनकी सारे बैरिकेड्स ये औरतों को ही क्यों बताते? भैया तुझे इतना शौक है अबाया पहनने का, तू पहन के चलना, रास्ता में अपना मुंह छुपा के चलना, क्योंकि सबसे ज्यादा झुकता लुच्चा काम तो वो इमाम और मौलवी कर रहा है। अभी चंद पैसों के लालच में तू तो सबसे ज्यादा कर रहा है, तो तू बुरका पहन करके चलना। हर रोज देखिए टीवी डिबेट पर ये बेइज्जत होते हैं और लड़कियों से बेइज्जत होते हैं, फिर भी देखिए ये दूसरे दिन बुलाइएगा फिर चला आएगा। क्यों चला आता है? क्योंकि ये जो फातिया पढ़ता है ना और 101 रुपया लेता है अगरबत्ती जला करके, इसका रेट बढ़ता है टीवी पर आने से। आप सोचिए, ये जो पीर बाबा लोग बैठे रहते हैं, ये पीर बाबा लोग हाथ मिलाने का 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया लेते हैं। अब आप सोचो कि जिस पीर बाबा लोग का हाथ मिलाने से पैसा देना पड़ता है, ये कहां से अल्लाह का बंदा हो गया? ये कैसे अल्लाह का बंदा हो गया? तो ये सब इनका रीजन है टीवी पे आने का, या अपनी बातों को रखने का, या ट्रोल होने का, या फेमस होने का। इनका फातिया का पैसा बढ़ जाता है अगरबत्ती जला के जो ये फातिया पढ़ते हैं। आखिर क्यों ऐसा है कि हमारे मक्का मदीना में फातिया नाम की कोई चीज नहीं है? आखिर क्यों कहा गया है कि आप मक्का जाइएगा तो आप किसी चीज को छू करके आप चूम नहीं सकते, लेकिन यहाँ मजार में जाइए आप देखिए अपना सजदा टेक रही है, अपना ये कर रही है, अपना ऐसे ऐसे करके मोर का पंख हिला रहा है, तो हरा हरा रुमाल बांध दे रहा है। क्यों भैया ये सब नौटंकी क्यों चला रहे हो? ये सब नौटंकी इसलिए करता है, आप अजमेर जाइएगा। अंबर, मैं तो हर जगह एक्सप्लोर करती, मुझे बड़ा मजा आता है घुस घुस के देखने में,
तो मैं अजमेर आप जाइएगा तो सबसे पहले तो बाहर में ही आपको रोक लेगा, उसके बाद आपको बोलेगा 10,000 का चादर चढ़ाइए, 1,000 का चादर चढ़ाइए, चांदी का गेट बनवा दीजिए, मतलब आपके शरीर पर अगर